ठीक है, सपनों का बनना, सपनों का बनना, इसीलिए ही नहीं इसको इंटेलिजेंट बोल ब्रेन बोलते हैं। अभी मैंने एक बात बोली, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तुमने एकदम दिमाग में एकदम हाँ फलानी फलानी है, फलानी फलानी मुझे छोड़ के गई, फिर फलानी फलानी मैं क्या बन गया, आईएएस बन गया। तो ये एक विजुअलाइजेशन जो आपने किया, ठीक है, ये एक जो विजुअलाइजेशन आपने किया, ये आपका बेटा ऑसिपिटल लोब से एक दिमाग में विजुअलाइजेशन हुआ कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, मैं आईएएस बन जाऊंगा। तो ये ब्रेन का कौन करूं बच्चों, तो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। सपोज करो आपको किसी से प्यार हो गया, ठीक है, अब उसने कहा कि नहीं अरे मेरे पापा तब शादी करेंगे जब तू आईएएस बनेगा, उससे पहले तो मेरे पापा शादी ही नहीं करेंगे। तुमने कहा ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देगी, तुमने एक डेडिकेशन लगाई, ठीक है, तुमने एक चीज पे कंसंट्रेट किया, तो तुमने किया कंसंट्रेशन कि भैया अब तो मैं ये करके ही दिखाऊंगा। उसके बाद तुमने अपनी पर्सनैलिटी को बदल लिया, क्या बदल लिया, तुमने अपनी पर्सनैलिटी को तुमने बदल लिया। उसके बाद में तुमने तुम जो आपकी स्पीकिंग होती है, जो आपकी स्पीकिंग होती है कॉन्फिडेंशियल स्पीकिंग होती है, एक होती है बोलना, जीभ से बोलना, जीभ उठा के बोलना, एक होता है जो दिमाग में आपके विचार आ रहे हैं उससे बोलना, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी विल पावर लगाई कि भाई मैं तो ये बन के ही रहूंगा। ये सब आपकी जो होती है, ये सब आपकी जो होती है बेटा फ्रंटल लोब से होती है, ठीक है, ये सब जो होती है ये क्या होता है बच्चों, फ्रंटल लोब से पैदा होता है। यानी जो भी सोच, जो भी विचार आपके मन में, अगर आपके मन में सुसाइड का थॉट भी आ रहा है ना, तो वो फ्रंटल लोब से ही आएगा, ठीक है। यानी कोई थॉट आना और उसको अप्लाई करने का काम, उस थॉट को अप्लाई करने का काम फ्रंटल लोब का होता है। किसका होता है बच्चों, फ्रंटल लोब का होता है। क्या इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। हमें भूख लगने वाली है जाकिर हुसैन, वो तो अलग है। बाद में बच्चों आप अगर मैथ्स की कैलकुलेशन, अगर आप मैथ्स की कैलकुलेशन, अगर आप गणित की कैलकुलेशन को अच्छा कर रहे हो, आपकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, इसका मतलब यह है कि आपकी पेरेंटल लोब बहुत अच्छी है। तो इसको याद ऐसे कर सकते हो कि सबके पेरेंट्स चाहते हैं भाई हम मैथ्स वगैरह में बहुत अच्छे रहे, ठीक है। तो जो आपकी पेरेंटल लोब होती है उसकी रीजनिंग बहुत, मतलब जिसकी पेरेंटल लोब बहुत अच्छी होती है उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी होती है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आपको सुन के बहुत अचंभा होगा कि सर आइंस्टीन के अंदर पेरेंटल लोब थी नहीं। ये बोलते हैं कि जिनके अंदर पेरेंटल लोब जितनी बड़ी होती है, जिनके अंदर पेरेंटल लोब वो मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छे होते हैं, रीजनिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं। यस देसी टीवी बिल्कुल, लेकिन आपको बता दूं कि भाई सर आइंस्टीन के अंदर तो फ्रंटल लोब थी, वो फ्रंटल लोब कह रही हूं, सर आइंस्टीन के अंदर तो पेरेंटल लोब थी नहीं। क्या नहीं थी बेटा, पेरेंटल लोब थी नहीं, लेकिन फिर भी वो साइंटिस्ट थे और मैथ्स के बिना तो फिजिक्स हो भी नहीं सकता, फिर कैसे, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, तो आज तक इसका कोई पता नहीं लगा पाया, ठीक है। टेम्पोरल लोब